हमने लास्ट क्लास में एक्सएमएल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डीटीडी। डीटीडी क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। और डीटीडी डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड लीगल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। अ वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज वेल फॉर्म्ड एज वेल एज इट कन्फॉर्म्स टू द रूल ऑफ द डीटीडी। डीटीडी का रूल क्या कहता है कि जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है वो वैलिड और वेल फॉर्म्ड होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद है, ये क्या है हमारा, अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो हम पहले लिखेंगे एक्सक्लामेशन का साइन, फिर इसके बाद लिखते हैं डॉक टाइप, फिर नोट, उसके बाद में हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और ये एलिमेंट नॉट टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट टू, ये आगे मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारे पास डॉक नोट, ठीक है, ये डिफाइन करता है दैट द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, जो डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है वो डिफाइन करता है। इसके बाद है एलिमेंट नोट। एलिमेंट नोट क्या बताता है, डिफाइन दैट द नोट एलिमेंट मस्ट कंटेन द एलिमेंट टू फ्रॉम हेडिंग और बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें को ये कंटेन करता है, टू फ्रॉम हेडिंग और बॉडी। उसके बाद है एलिमेंट टू, डिफाइन एलिमेंट टू, ये क्या है, डिफाइन द एलिमेंट टू द टाइप ऑफ पीसी डाटा। ठीक है, अब इसके बाद है एलिमेंट फ्रॉम, डिफाइन द फॉर्म एलिमेंट टू बी द टाइप। अब इसमें क्या है, फ्रॉम, ये टू के लिए और ये फ्रॉम। अब यहाँ पे है एलिमेंट हेडिंग, डिफाइन द हेडिंग एलिमेंट टू बी ऑफ टाइप ऑफ पीसी डाटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हेडिंग, जो भी हम हेडिंग ले रहे हैं और ये बॉडी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन टू यूज अ डीटीडी। डीटीडी का यूज कब किया जाता है, विद अ डीटीडी इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैन अग्री टू यूज अ स्टैंडर्ड डीटीडी फॉर इंटरचेंजिंग डाटा। अभी से पहले हमने पढ़ा था कि एक्सएमएल क्या होता है, कि हमारे डाटा को स्टोर कराता है किसी प्लेन फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में, और वो हम क्या कर सकते हैं, किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर उसी के अंदर हमें कुछ चेंजेस चाहिए, या हमारे ग्रुप जो है, विद अ डीटीडी इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैन अग्री टू यूज अ स्टैंडर्ड डीटीडी फॉर इंटरचेंजिंग डाटा, आपस में डाटा को इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, विद अ डीटीडी यू कैन वेरीफाई दैट द डाटा यू रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज वैलिड, कि जो भी आपने डाटा रिसीव किया है क्या वो वैलिड है। यू कैन ऑल्सो यूज अ डीटीडी टू वेरीफाई योर ऑन डाटा, क्या कभी कभी हम अपने डाटा को भी वेरीफाई करने के लिए डीटीडी का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन नॉट टू यूज अ डीटीडी, कब तुम्हें डीटीडी की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं यूज करना चाहिए। एक्सएमएल डज नॉट रिक्वायर्ड अ डीटीडी। एक्सएमएल जो है वो जरूरी नहीं है कि डीटीडी यूज करके ही चलेगा, वैसे भी चलता है। व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद एक्सएमएल, जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एक्सएमएल के साथ में, और व्हेन यू आर वर्किंग विद अ स्मॉल एक्सएमएल फाइल्स, क्रिएटिंग डी टी डी इज मे बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि अगर मतलब एक्सपेरिमेंटिंग विद एक्सएमएल कर रहे हो या छोटी फाइल बना रहे हो, हाँ ठीक है, तो ये क्या है, डी टी डी वेस्ट ऑफ टाइम है। इफ़ यू डेवलप्ड एप्लीकेशन वेट अंटिल द स्पेसिफिकेशन इज स्टेबल बिफोर यू एड अ डी टी डी, अदरवाइज योर सॉफ्टवेयर मस्ट स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ वैलिडेशन एरर। ओके, यहाँ पे वैलिडेशन एरर भी आ सकती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।